राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है 9 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए विज्ञान पर आधारित श्रृंखला ज्ञान विज्ञान। श्रृंखला के इस कार्यक्रम का शीर्षक है सफाई। एक था लड़का, उसका नाम था सुंदर। वो देखने में भी सुंदर था, मगर सुंदर होने के बावजूद भी वो ऐसे काम करता था जिससे उसकी सुंदरता कम हो जाती थी। जैसे अक्सर उसके हाथों में स्याही लगी दिखती थी, कपड़े कितने भी साफ पहनाते कुछ ही देर में वो उन्हें मैला कर देता। एक बात जो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी वो थी रोज रोज नहाना, जिससे उसकी माँ हमेशा परेशान रहती। माँ उसे जब भी नहाने के लिए कहती तो वो कहता, क्या है माँ, मैं परसों ही तो नहाया था, रोज रोज नहाना क्या जरूरी है? नहाने की बजाय मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। बेटा, जितनी पढ़ाई जरूरी है उतना ही जरूरी है नहाना, इससे शरीर साफ रहता है। शरीर साफ रहता है? मेरा शरीर तो बिल्कुल साफ है, देखो देखो ना कितना गोरा रंग है। अरे बेटा, हम रोज यहाँ वहाँ भागते हैं, आते हैं जाते हैं, शरीर उससे मैला होता है, इसलिए उसकी सफाई करनी चाहिए। तू कब सफाई का ध्यान करना सीखेगा? माँ, मैं सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। हमारी स्कूल की बहन जी कहती हैं केले का छिलका सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, और मैं नहीं फेंकता। ये देखो, मैं केले का छिलका अपने बस्ते में ही रखता हूँ। हाय राम, ये क्या, केले के इतने सारे छिलके किताबों में ठूस कर रखे हैं? ये तू कैसी सफाई का ध्यान रखता है? छी 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 छी, इसमें कैसी सड़न भरी बदबू आ रही है। आने दे अपने बापू को, आज मैं तेरे कान खिंचवाऊंगी। हाँ, बेचारा सुंदर, बाबूजी को भी उसकी बातें पसंद नहीं आती थीं। उन्होंने भी केले वाली बात सुनी तो उसे खूब डांटा फटकारा। इस बात को कुछ दिन निकल गए। एक दिन माँ ने देखा घर में पानी के मटके का ढक्कन गायब है। उन्होंने सुंदर से पूछा, उस मटके का ढक्कन तुमने हटाया? हाँ माँ, ये देखो मैंने इसमें रंग घोल कर रखा है, चित्र बना रहा हूँ। ये देखो, बहन जी ने कहा है कि स्कूल की सफाई पर चित्र बनाओ। स्कूल की सफाई पर चित्र बना रहा है और घर को गंदा कर रहा है। मैंने क्या गंदा किया माँ? क्यों, तूने पीने के पानी के मटके को खुला छोड़ दिया। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पीने के पानी को खुला रखेंगे तो उसमें धूल और कीड़े मकोड़े चले जाएंगे। क्या बात करती हो माँ, धूल कहाँ है? मटके के ऊपर तो कमरे की छत है, और कीड़े मकोड़े भी मटके के ऊपर चढ़कर पानी पीने क्यों जाएंगे? उन्हें मुश्किल नहीं होगी? कुछ नहीं होता माँ। ला ये ढक्कन मुझे दे, और ये रंग किसी और बर्तन में घोल ले। माँ माँ, अरे अरे ढक्कन मत ले जाओ। माँ जबरदस्ती मटके के ढक्कन को ले गई, उसे धोकर उसका ठीक तरह से रंग हटाकर मटके के ऊपर रख दिया। माँ ने तो ठीक किया, मगर सुंदर को ये बुरा लगा। माँ के समझाने के बावजूद वो सफाई का ध्यान न रखता। वो क्या करता था मालूम है? खाने से पहले हाथ नहीं धोता था, हाथ गंदे हो जाते तो उन्हें अपने ही कपड़ों से पोंछ देता। माँ कहती, ये क्या किया, कपड़े गंदे कर दिए। क्या है माँ, जब भी अच्छा काम करता हूँ
तुम मुझ पर गुस्सा होती हो। कपड़े गंदे करना अच्छा काम है क्या? माँ मैंने हाथ साफ किए हैं। तुम कहती हो ना सफाई करो, तो मैंने हाथ में लगी स्याही तो साफ कर ली। अब देखो कहाँ है स्याही। हाँ हाथों में तो स्याही नहीं है अब, मगर कमीज से हाथ साफ क्यों किए? ये स्याही कमीज पर लग गई ना, इसे कौन साफ करेगा? ये कपड़े तो माँ रोज ही धुलते हैं, तो ये स्याही भी उतर जाएगी। हे भगवान, इस बच्चे को कब अकल आएगी। सुंदर की बातें सुनकर माँ हमेशा की तरह अपना माथा ठोकती और चली जाती। दोस्तों एक दिन क्या हुआ, सुंदर बीमार हो गया, उसका पेट खराब हो गया। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, सुंदर तुम्हारा पेट खराब है, क्या खाया था? क्या कोई अधपकी गली सड़ी या बिना ढकी हुई चीज तो नहीं खा ली थी, या गंदा पानी तो नहीं पी लिया? क्या बात करते हैं डॉक्टर साहब, मेरी माँ तो बहुत साफ खाना पकाती है, भला गंदा खाना कैसे खाऊंगा? और गंदा पानी तो मैं पीता ही नहीं। ये तुम्हारे हाथ इतने मैले क्यों हैं? डॉक्टर साहब ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ, ये नहाता ही नहीं है। ओह, तो ये कारण है इसके बीमार होने का। डॉक्टर साहब अभी तो आप कह रहे थे कि मैं गंदी चीजें खाने से बीमार हुआ हूँ, अब आप कहते हैं कि मैं नहाता नहीं इसलिए बीमार हुआ हूँ। ये कैसे हो सकता है? बेटा तुम मेरी बात नहीं समझे, तुम नहाते नहीं हो तो गंदगी तुम्हारे हाथों में लगी रहती है। खाना खाते समय खाने में गंदगी के साथ कई रोगों के जर्म्स यानी कीटाणु तुम्हारे पेट में चले जाते हैं और तुम बीमार हो जाते हो। डॉक्टर साहब इसे कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे ये हमारा कहना मानना सीखे। उसकी जरूरत नहीं है, ये बीमारी ही एक सबक है सुंदर के लिए, एक सबक जिससे ये समझ सकेगा कि सफाई में लापरवाही बरतने से क्या हालत हो सकती है। समझे सुंदर? हाँ जी। बच्चों सफाई है सबसे जरूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी बच्चों सबसे जरूरी बच्चों सबसे जरूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी। गंदा करो मत अपना घर, गंदा करो मत अपना घर, गंदा करो मत अपना नगर, घर और नगर को रखो साफ, घर और नगर को रखो साफ, बीमारी से हरदम रहेगी दूरी, बीमारी से हरदम रहेगी दूरी। बच्चों सफाई है सबसे जरूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी।
खाने की चीजों को ढक कर रखते, खाने की चीजों को ढक कर रखते, पीने के पानी को साफ है रखते, पीने के पानी को साफ है रखते, रोज नहाना धोना बहुत जरूरी, रोज नहाना धोना बहुत जरूरी, दिल्ली हो चाहे चाहे मसूरी, दिल्ली हो चाहे चाहे मसूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी। सफाई से सब अच्छा लगता, सफाई से सब प्यारा लगता, सफाई से सब प्यारा लगता, सफाई से सेहत ठीक है रहती, सफाई से सेहत ठीक है रहती, सफाई कभी ना छोड़ो अधूरी, सफाई कभी ना छोड़ो अधूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी, सबसे जरूरी बच्चों सबसे जरूरी, सबसे जरूरी बच्चों सबसे जरूरी, बच्चों सफाई है 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 सब